बादशाह सलामत, बादशाह सलामत। मैं लुट गया, मैं बर्बाद हो गया, मेरा सारा धन, सारा जेवर सब चोरी चला गया। ये कौन है और क्या माजरा? अगर इसकी बातें सच हैं, तो चोरों को पकड़वा कर उन्हें सख्त से सख्त सजा दिलवाओ। जो आज्ञा महाबली। दीवान साहब, दीवान साहब, मैं रातों रात कंगाल हो गया हूँ। मैंने सरकारी अधिकारियों को सूचना भी दी थी, लेकिन चोरों का कोई पता ही नहीं चला। ये बताओ, तुम्हें किसी पर संदेह है? मेरा अनुमान है कि ये काम मेरे घर के नौकरों का हो सकता है, क्योंकि किसी बाहरी आदमी को तो इतनी जानकारी नहीं होती ना। लेकिन ये भी सच है कि मैंने ऐसा करते किसी को देखा नहीं है। अच्छा, ठीक है ठीक है, तुम धीरज रखो, तुम्हारा माल तुम्हें मिल जाएगा। तुम्हारे नौकर कहाँ हैं, जरा उन्हें बुलवाओ। मैं खुद ही लेकर आ जाता हूँ। आज्ञा दीवान जी। सुनो व्यापारी, ये लकड़ी के टुकड़े लो और हर नौकर को एक एक थमा दो। ये लंबाई में सब बराबर है, हमने इन पर मंत्र पढ़कर फूंक दिया है। आज रात इन सभी नौकरों को महल के अलग अलग कमरों में बंद करके रखा जाए। कल सुबह इन्हें फिर दरबार में हाजिर करके लकड़ियों की जांच की जाएगी। जो कोई चोर होगा या उसने चोरी में सहायता की होगी, उसके पास की लकड़ी रात भर में आधा इंच बढ़ जाएगी। वाह बीरबल, चोर पकड़ने की तुम्हें अनोखी तरकीब सोची है। हुजूर, चोरी किसने की है ये तो कल सुबह ही पता चलेगा। इससे पहले कि ये लकड़ी रात भर में आधा इंच बढ़े, मैं पहले ही इसे आधा इंच काट देता हूँ, ताकि बढ़ने पर ये दूसरी लकड़ियों के बराबर ही रहे। अब देखता हूँ दीवान जी मुझे कैसे पकड़ते हैं। पांचों लकड़ियों में ये लकड़ी किसकी है? ये इस सेवक की है, बलिराम नाम है इसका। तो इसी ने तुम्हें बलि का बकरा बनाया है? वो कैसे सरकार? इसे जो लकड़ी दी गई थी वो आधा इंच छोटी है। इसने सोचा कि इसकी लकड़ी आधा इंच बढ़ गई तो चोरी का भेद खुल जाएगा, तो इसने पहले ही इसे आधा इंच काट दिया। क्यों बलिराम, यही सोचा था ना तुमने? अब चुप क्यों खड़ा है, बोलता क्यों नहीं है? ये तब बोलेगा जब इसे मुझसे गलती हो गई महाराज, मुझे माफ कर दिए महाराज, मुझे माफ। इससे चोरी का माल बरामद कराकर व्यापारी को दे दिया जाए। जो आज्ञा महाबली। यदि आपकी कृपा न होती तो मेरा चोरी किया हुआ धन कभी न मिलता महाबली। ये हमारे बीरबल का आपकी कृपा है महाबली।